हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। मेरे चैनल टेक कैटेगरी पे आपका फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं कुछ लैपटॉप्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके बजट में ही है वो लैपटॉप। एक्चुअली अपन लैपटॉप लेने का सोचते भी है तो अपना बजट क्या होता है, 30 से 35 हज़ार, मतलब 30 से 35 के बीच में। तो उसी बजट में मैं 4 से 5 लैपटॉप के बारे में बताऊँगा आपको। जो पहला लैपटॉप है वो बहुत ही बेहतरीन है और मेरा वीडियो बनाने का रीज़न वही लैपटॉप है। तो आप वीडियो पूरा देखो जिससे कि आपको पता चले कि क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या प्राइस रेंज में आपको लैपटॉप मिलेगी और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। हाँ दोस्तों, जिस लैपटॉप पर मैं बात करने वाला हूँ वो है HP 14 Ultra Thin। उसका नाम है HP 14 Ultra Thin। मतलब अल्ट्रा थिन इसलिए है क्योंकि वो लैपटॉप लिटरली बहुत ही पतला है, बट पतला होने के साथ साथ बहुत ही कमाल का है। उसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ही कमाल के हैं। विद इन 35,000, मतलब 35,000 से 36,000 के रेंज में बहुत ही जोरदार लैपटॉप। उसमें आपको 7 घंटे की बैटरी बैकअप, मतलब पतला होने के साथ साथ 7 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। 6 घंटे तो डेफिनेटली मिलेगी। उसमें आपको मिलेगी 8 GB की रैम और सोने पे सुहागा तो ये है कि उसमें आपको SSD हार्ड डिस्क भी मिलेगा। SSD हार्ड डिस्क के बारे में बता दूं, मैं एक ब्रीफ बता देता हूं कि अगर आपके पुराने लैपटॉप में भी आप SSD हार्ड डिस्क लगाते हो और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है। तो चलिए आते हैं इस लैपटॉप पे। तो इसमें आपको 256 GB का SSD हार्ड डिस्क मिलेगा जो कि बहुत ही फास्ट है। और इसके साथ साथ आपको इसमें ओरिजिनल विंडोज 10 होम एडिशन दिया जाएगा जो कि लाइसेंस के साथ रहेगा, लाइसेंस वाला वर्जन मिलेगा। विंडोज 10 भी और MS ऑफिस भी, जिससे आप MS ऑफिस के सारे फीचर यूज कर सकते हो, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड एवरीथिंग सारे ओरिजिनल मिलेंगे। 14 इंच का डिस्प्ले है इसमें, मतलब फुल टू कमाल का पैकेज है जो कि बहुत ही शानदार है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट है इतना तो आप ले सकते हो। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें सारे पोर्ट्स अवेलेबल है जो भी इस प्राइस रेंज में होता है या फिर होने चाहिए। बेहतरीन लैपटॉप है। इसमें ग्राफिक 2 GB ग्राफिक्स भी मिलेगा इंटरनल। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस लैपटॉप पे आप जा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहां से परचेज कर सकते हो। और बाकी के जो 4 लैपटॉप्स हैं उसके बारे में ब्रीफली से नहीं बताऊंगा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप जाके खुद ही देख सकते हो अमेजोन पे। हाँ, मैं फिल्टर करके मैंने सर्च किया है उसी प्राइस रेंज में जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे लैपटॉप सर्च करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये जो पहला वाला लैपटॉप है HP 14 Ultra, लाइट वो बहुत ही कमाल का है। तो पहले आप इससे जाओ, अगर ये ना मिले या फिर इतना बजट ना हो तभी आप नीचे जाना, बट मेरा सजेशन है वो इस लैपटॉप का है। इसमें आपको i3 10th generation मिल रहा है, i3 का 10th generation, मतलब सही है i3 का 10th generation। SSD हार्ड डिस्क 256 GB, 8 GB की रैम, ओरिजिनल विंडोज, ओरिजिनल MS ऑफिस, 7 घंटे की बैटरी बैकअप, कमाल है। आप ले सकते हो लैपटॉप अगर आपका प्राइस रेंज इतना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।